कटनी के कन्या शासकीय महाविद्यालय के गेट पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने एटीकेटी और छात्रवृत्ति को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को गेट से हटाने की कोशिश की। छात्रों के नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ छात्रों को इसमें चोटें आई हैं। कटनी के कन्या शासकीय महाविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्राओं के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्रों की आई एटीकेटी और छात्रवृत्ति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। जब छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कॉलेज के गेट से हटाया गया। इस दौरान छात्र और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता सहित छात्र भी घायल हुए हैं। विगत लंबे समय से लेके यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा आरडीबी द्वारा जो भी रिजल्ट घोषित किया जाता है, लगातार पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। यहाँ तक 90% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है। विगत हमने 3 दिन पहले कॉलेज प्रचार को हमने अवगत कराया था, सर हमारी समस्या समाधान करा दीजिए। वही प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि कई छात्रों को एक विषय से लेकर चार चार विषयों में सप्लीमेंट्री आई है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें आज तक छात्रवृत्ति तक नहीं मिली है, जिसकी कई बार कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर वे कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हम लोग को ना टीचर आते क्लास में, ना अच्छे से पढ़ाई करवाते, सर पैसे लेने का सप्लीमेंट्री, सर चार चार विषय में सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री का 2500 रुपए ले रहे हैं सर, कहाँ से देंगे हम लोग? सर एक में आई थी मेजर 2 में, फिर दोबारा दे दी हम लोग, दोबारा पूरा रिजल्ट होता फिर आ गई, जिनकी एक में आई थी उनको फिर दोबारा पास कर दिया। हम लोग हम लोग पागल है कि हम लोग को भी करना चाहिए ना पास? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।